ये वैरायटी गढ़ने के प्रति भी बहुत सेंसिल है, इसमें गढ़ाई दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा बहुत कम आती है। नमस्कार किसान साथियों, तो आज आपको भाई फूल गोभी की एक नई वैरायटी दिखाएंगे जिसके अंदर भाई फंगस भी कम लगती है बारिश के कारण, और फूल भी बिल्कुल सफ़ेद आता है, वजन भी अच्छा निकालती है। ये एक फूल गोभी की नई वैरायटी है, आपको दिखाएंगे भाई, वीडियो में एंड तक बने रहना, आप देखना आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम मनोज कुमार है। लगाने का सही समय और कितने दिन में कटाई पे आ जाती है, कितना वजन जो फूल निकाल देता है, खेत में भी दिखाएंगे आपको, खेत भी विजिट कराएंगे। और जिस किसान साथी खेत में आए हुए हैं भाई, दो तीन किसान साथी जिन्हें किसान लगाई थी, उनको सभी को भाई यहाँ पे बुला के उनका जो है उनको कैसी लगी है, वीडियो में अंत तक बने रहना भाई, देखना किसान साथी क्या कुछ बताते इसके बारे में, क्या कमियां बताते, क्या खासियत बताते इसकी, वीडियो में अंत तक बने रहना भाई, वीडियो एंड तक जरूर देखना, लास्ट तक बना। देखो कितने किसान साथी जो आसपास गांव के इस वैरायटी को देखने के लिए आए हुए हैं, बहुत से किसान साथियों ने खेत देखा भाई, बड़ी बहुत पसंद आई है भाई किसान साथियों को। ये अपने डॉक्टर साहब जो है पूरी जानकारी देंगे भाई इसकी, बड़ी ही आपकी बार बहुत अच्छी डिमांड रही थी, और आज लगभग हाथी में जितने भी गोभी के फार्मर है उनके लगभग हर खेत में ये वैरायटी पहुंची हुई है, और हर फार्मर के खेत में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ ये आप लोगों के सामने है। तो आज मैं इसी वैरायटी को दिखाने के लिए, इसका टाइम बताने के लिए आप लोगों को यहाँ तक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, टाइम लगाने का टाइम बता देता हूँ। आसपास के जो किसान साथी अपनी 10 मार्च को भी खेती करते हैं, उनके पास वीडियो पहुंचाओ, उनको भी वही इस वैरायटी के बारे में पता चलना चाहिए। ये वैरायटी हमने जो मार्च महीने में लगी हुई थी वीडियो उस टाइम भी आप लोगों को दिखाया था, इस टाइम अभी आप देख पा रहे हो इससे भी ज्यादा सफेद और वजनदार वैरायटी उस टाइम भी थी, और अब भी ये वैरायटी दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा काफी ठोस और कम्पैक्ट और वजनदार वैरायटी है। तो इस वैरायटी की मैं खासियत बता दूं, दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा ग्रोथ बहुत अच्छी लेता है, वजन ज्यादा लेता है। इसमें सबसे जो बड़ी खासियत है वो बताता हूँ, वजन क्यों लेती है, इसमें ये नंबर ऑफ ताड़ी जिसको हम ये पत्तियां बोलते हैं, ये अधिक होने के कारण ये दूसरी वैरायटियों से वजन ज्यादा निकालती है, इसमें ताड़ी ज्यादा है यानी पत्तों की मात्रा ज्यादा है, ये इस वैरायटी की खासियत है। इसमें ताड़ी अधिक होने के कारण इसमें पत्ते ज्यादा होते हैं, तो ये अपने आप को कुछ हद तक कवर्ड गर्मी से बचाते भी हैं, इसको जो कि अपने उस समय गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो जिस वैरायटी के ऊपर पत्ते ज्यादा होंगे तो उसकी सुंदरता ज्यादा आएगी। तो ये वैरायटी हमारी नाथ सीड कंपनी की 2251 है। ये वैरायटी गढ़ने के प्रति भी बहुत सेंसिल है, इसमें गढ़ाई दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा बहुत कम आती है। ये वैरायटी 800 ग्राम से 1 किलो तक का वजन देती है मार्च महीने से लेकर के, और आप इसको जुलाई महीने तक लगा सकते हैं। तो इस वैरायटी के अलावा मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी हाल ही में जो गोभी लगाने वाले फार्मर हैं उनके लिए कंपनी ने एक वैरायटी और दी है, अभी जो बिजाई में चल रही है, पिछले साल यहाँ अपने आसपास भी लगी हुई थी, हमने यहाँ क्रॉप शो भी किए थे, तो आप में से कुछ जमींदार ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखी थी। वो वैरायटी है रॉयल वाइट। रॉयल वाइट वैरायटी अगस्त महीने से शुरू होकर के और नवंबर महीने की 10 तारीख तक लगाई जाती है, वो वैरायटी रॉयल वाइट आती है। रॉयल वाइट की मैं आपको उसमें क्या विशेषताएं हैं वो बता देता हूँ। वो वैरायटी 1.5 किलो तक सेल्फ कवर्ड बिल्कुल पत्ते में रहेगी, घूंघट में फूल कटेगा उसका, बिल्कुल दूध या सफ़ेद फूल रहेगा उसका, 1.5 किलो तक बिल्कुल कवर्ड। उस वैरायटी के साथ साथ कंपनी की एक और वैरायटी आती है जो लेट में जाती है, जो मार्च महीने में कटाई होती है, वो वैरायटी आती है रॉयल क्वीन। कंपनी के पास 3 वैरायटियां फूल गोभी में अभी तक, सबसे अगेती ये है, बीच की वैरायटी रॉयल वाइट है, लेट वाली हमारे पास रॉयल क्वीन है। उस वैरायटी का टाइम नवंबर महीना है बिजाई करने का, नवंबर महीने तक उसको पूरा नवंबर आप उसको बिजाई कर सकते हैं। उस वैरायटी में भी सेम ऐसा ही करेक्टर है, वो भी कवर्ड रहती है, सर्दी वाली वो वैरायटी है, बिल्कुल 1.5 किलो तक आपको ये नहीं पता चलेगा इसमें फूल बना हुआ है, कटाई करें नहीं, 1.5 किलो से ऊपर आने पर पत्ता खोलती है वो वैरायटी भी। तो ये वैरायटी थी हमारी फूल गोभियों की। जो अभी फार्मर कुछ अपने पास ऐसे भी हैं जो टमाटर भी लगाते हैं, टमाटर की कंपनी के पास अगेती और पछेती दोनों समय की बिजाई के लिए 2 वैरायटियां हैं। अगेते के लिए टमाटर की वैरायटी अपने पास है 18-31 और अखंड 19-12, जो कि जुलाई महीने से शुरू होकर के पूरा अक्टूबर तक लगते हैं। उनमें 18-31 और
19-12 में मैं आपको फर्क बता दूं, जो 18-31 वैरायटी है वो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है, वो जल्दी फल लेके जल्दी पक जाती है। 90-100 ग्राम का साइज रहेगा और एक एकड़ में 800 से 1000 करेट निकल जाती है उसमें जी। उसके बाद जो वैरायटी है अखंड, वो थोड़ा उससे ज्यादा फॉलेज बना के ग्रोथ उसमें थोड़ी उससे ज्यादा है, 4.5 फुट तक का उसका पौधा हो जाता है। वो वैरायटी है अखंड 19-12 जो कि अभी अगस्त सितंबर और अक्टूबर 3 महीने उसकी बिजाई चलती है। उस वैरायटी का मैं बता दूं 90-100 ग्राम का साइज रहता है। उसमें पत्ते अधिक होने के कारण सर्दी से भी उसको बचाते हैं, सर्दी में उसको तैयार होने में उसकी मदद करते हैं, उसमें पत्ता बहुत अधिक है। ये वैरायटी 19-12 है जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर 3 महीने बिजाई चलती है हमारी यहाँ। बहुत ज्यादा उसमें पत्ते होने के कारण उसकी सेल्फ कवरिंग, उसको हर चीज वो है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद फिर अपना शुरू होता है, अक्टूबर महीने से शुरू होगा, जिसको हम आमतौर पे बेल वाली वैरायटी बोलते हैं। बेल वाली वैरायटी कंपनी के पास है लीसा 19-14 जो कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने में बिजाई की जाती है। वो वैरायटी 6 से 7 फुट तक का पौधा बना लेते हैं, ग्रोथ करती है, गुच्छों में टमाटर लगता है। लेकिन उस टमाटर को लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि उस वैरायटी में फैलाव ज्यादा होने के कारण कुछ जमींदार क्या करते हैं कि उसको स्पेस ना दे करके ज्यादा गहरा डाल देते हैं। उसको कम से कम 2 नहीं तो 2.5 फुट पे प्लांट से प्लांट की दूरी रखें और 6 फुट का आप उसको बेड दें, उसको जो पाटड़ा बोलते हैं उसको 6 फुट का आप उसको वो गैप दें लाइन से लाइन, और पौधे से पौधा 2 से 2.5 फुट तक आप उसको रखेंगे तो आप उसकी 1500 करेट तक एक एकड़ में निकाल सकते हैं। वो बहुत हाई यील्डर वैरायटी है जी, उसमें गुच्छों में टमाटर लगता है। कुछ जमींदार नंबर ऑफ प्लांट उसमें ज्यादा करके, कई बार सोचते हैं जमींदार की खेत में कम पौधे हैं, लेकिन वो बाद में फैलाव लेता है तो उसमें नुकसान क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। उसमें अधिक टमाटर होने के कारण पौधा जो अपना एक दूसरे के ऊपर ले पड़ जाता है, स्पेस नहीं मिल पाता उसको, तो उसमें साइज का इशू रहेगा जी। साइज बिल्कुल उसका 40-50 ग्राम का साइज आ जाएगा, बाद में मार्केट में वो बिकने में दिक्कत होती है जी। तो आप लोगों से अपील है कि अगर ये वैरायटी आप उस टाइम डालो तो स्पेस डाल रखो उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपकी बीज की बचत होती है। ये वैरायटी ऐसी आप 2 पैकेट में 1 एकड़ कर सकते हो, सिर्फ 2 पैकेट सीड में 1 एकड़ का नर्सरी अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो उसमें आप ज्यादा स्पेस रखोगे तो मुनाफा अधिक कमाओगे। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी अपने यहाँ आपकी बात तो चलो मौसम के कारण कुछ डिले हो गया है, बारिशों का सीजन चल रहा है, अपने पास वैरायटी आती है पत्ता गोभी की कंपनी के पास 2 वैरायटी। एक तो आती है ग्रीन टोन और ग्रीन ट्विन। ग्रीन टोन और ग्रीन ट्विन में मैं फर्क बता दूं आपको। ग्रीन टोन जो वैरायटी है, ग्रीन टोन में क्या होता, अगर कुछ जमींदार डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो उसमें आएगी वो 70 से 75 दिन में, और अगर ट्रांसप्लांट करके लगाता है तो 60 से 65 दिन में आएगी। और जो ग्रीन क्वीन वैरायटी है कंपनी की, वो वैरायटी ऐसी है, वो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है, बिल्कुल गोल फूल आएगा, हरा फूल आएगा उसकी। अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो तो वो 50 से 55 दिन में ही कटाई पे आ जाएगी जी, और अगर आप उसको डायरेक्ट सोइंग करोगे तो वो 65 से 70 दिन लेगी। अभी धनिया लगाने की सीजन चल रहा है तो धनिया की एक वैरायटी कंपनी के पास सिर्फ एक ही वैरायटी है जो 35 दिन में कटाई पे आ जाता है, एवरग्रीन के नाम से है। वो अराउंड द ईयर पूरे साल कभी भी डालो आप उसको, वो 100% सक्सेस है, लेकिन टाइम के हिसाब से उसमें कटाई में फर्क आएगा। अगर आप गर्मी में लगाओगे तो कटाई सिर्फ एक देगा, और अगर सर्दी में लगाओगे तो आप उसमें 5 कटाई तक कर सकते हो। अब लगाऊंगा तो कितनी कटाई होगी? अभी तो सीजन शुरू हो गया ना धनिया का, अब से अक्टूबर से तो धनिया का सीजन शुरू हो जाता है, अब वाणी में तो 4-5 कटाई आराम से कर सकते हो। तो इसके साथ मटर की वैरायटी है, मटर की आती है वंडर 10, 10 दाने की वैरायटी है और पेंसिल मटर है। पकने के बाद भी बिल्कुल हरी वैरायटी है, बिल्कुल हरा फली उसमें रहेगी, पकने तक भी बिल्कुल हरी फली उसमें रहेगी, 10 दाने की वैरायटी है, बिकने में बहुत अच्छी मार्केट में उसकी वैल्यू बनती है। उसके साथ साथ कुछ जमींदार ऐसे भी हैं, कंपनी के पास एक मिर्च ऐसी भी दी है कंपनी ने। सर मटर कितने दिन की वैरायटी, उसके बारे में बताओ।
मटर जो होती है तो अगर उसके मैच्योरिटी पिकिंग करोगे तो वो वैरायटी आती है 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। 65-70 दिन में वो वैरायटी बताई थी मैंने आपको, वंडर 10 वो पेंसिल मटर है, उसको लगाने से और तुड़ाई तक का समय मैं आपको बता दूं, वो 70 दिन में तुड़ाई पे आ जाती है और 2 तुड़ाई के साथ वो 3 महीने में खत्म हो जाती है जी। और इसके साथ साथ कुछ जमींदारों को मैं अभी जैसे मिर्च के बारे में बताना चाह रहा था, मिर्च की कंपनी ने एक वैरायटी दी है 495 में जो वायरस फ्री है, उसमें वायरस नहीं आती, वो है 95 नंबर वैरायटी जो कि बिल्कुल वायरस फ्री वैरायटी है। ये वैरायटी मैं आप लोगों को बता दूं, ये तीखे वाली वैरायटी है जो पतली तीखी और गाढ़े हरे रंग की वैरायटी आती है, पटना सेगमेंट में आप बोल सकते हैं उसको, तो वो वैरायटी बिल्कुल वायरस फ्री है हमारी। तो 495 वैरायटी आप लगा सकते हो जिसमें वायरस मरोड़िया की बहुत ही कम मिलती है, उसमें इंसेक्ट का प्रकोप बहुत कम होता है, सफेद मच्छर और जैसे एफिड जैसिड का जो प्रकोप होता है उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है वो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और बता दूं, कंपनी के पास भिंडी की वैरायटियां हैं, भिंडी की कंपनी के पास अगेते में और पछेते में कम से कम 4-5 वैरायटी है। लेट के लिए अभी हमने 3 डेमो किए थे अभी जो कि 3-9 सक्सेस हुए हैं, और जो कि हमारी कमर्शियल वैरायटी चल रही है 70-70 वो अभी बिजाई भी हो रखी है, बिल्कुल कट पत्ते में है। वो वैरायटी होती है इसकी गेहूं की कटाई के बाद जो डालते हैं, जैसे अपने बरसाती सीजन की बोलते हैं लेट वाली वैरायटी, वो वैरायटी है 70-70 वैरायटी। और उसके साथ ही साथ एक वैरायटी दी थी हमने अब की बात 33-41 जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है वो वैरायटी। और जो आगे की वैरायटी लगाते हैं जमींदार जनवरी से शुरू कर देते हैं, अगर मौसम ठीक ठाक मिले तो 15 जनवरी के बाद बिजाई शुरू कर देते हैं, कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ दिसंबर से ही शुरू कर देते हैं लो टनल वाले। तो मैं आप लोगों को बता दूं उस टाइम की वैरायटी आती है तन्नू और तिरप्ती, वो वैरायटी तन्नू और तिरप्ती है कंपनी के पास और लेट के लिए 70-70 है। तो ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों के मन में जो कुछ सवाल है वैरायटी के बारे में कंपनी के बारे में तो वो हमसे आपस में पूछ सकते हो। मैं अपना परिचय दे देता हूँ, नाथ सीड कंपनी से मनोज यादव, मेरा नंबर है 98-132-71-672। कोई भी जमींदार किसी भी भाई को अगर किसी भी सीड के बारे में जानकारी लेनी है तो ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी जो आप अपने एरिया में जाम बैठे हैं इस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, न्यू किसान बीज भंडार प्रवीण कुमार जी हैं, अगर आपको बीज कुछ चाहिए तो ये आपको अवेलेबल करा सकते हैं। तो मैं प्रवीण जी से भी बोलूंगा कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बताएं कंपनी के बारे में वैरायटी के बारे में। जमींदार को यहाँ बुलाना चाहूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये वैरायटी इन्होंने कब लगाई थी और कैसी इनको लगी, पिछले साल भी इन्होंने लगाई थी तो कैसी लगी, भरोसा कैसा है। तो अनिल जैसे कि अभी वैरायटी के बारे में बता रहा था, ये हमारे जमींदार भाई हैं जिन्होंने अभी अपने खेत में लगा रखी है जिसके खेत पे हम खड़े हैं। तो अनिल जी ये वैरायटी के बारे में और आप अपना परिचय दे। अनिल कुमार डानीपीर वाले जी, ये नाथ की भाई जी क्या वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो ये ट्रांसप्लांट मतलब 70 दिन बाद इसकी कटाई शुरू होगी, 70 दिन में आपकी कटाई शुरू हो गई थी। 70 दिन तो मार्केट में आपको इसकी परफॉर्मेंस और इसकी वैल्यू कैसी मिल रही है जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा बिकने में भी इससे 21 है, बिकने में भी उससे 21 है, वजन में भी है। तो ये वैरायटी आपने कब लगाई थी? जून की 10 तारीख को ये भाई ने लगाई थी, जो कि अभी इसमें कितनी कटाई हो चुकी है? 5 कटाई इस खेत में हो चुकी है जिस खेत में हम खड़े हैं, अभी आपको खेत भी दिखाएंगे जिसकी 5 कटाई हो चुकी है। तो ये वैरायटी से आप बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो दूसरे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही देना चाहेंगे, बढ़िया वैरायटी है, इसको एक बार यूज करके देखो। तो ये हमारे किसान अनिल भाई का कहना है कि सभी जमींदारों को ये वैरायटी लगानी चाहिए, अच्छी मुनाफे वाली है, वजनदार है, दूसरे से बिकने में भी अच्छी है। तो अभी जो पिछले साल हमारे पास एक फार्मर और है जिन्होंने लगाई थी और अब की बार भी उसके पास 2 एकड़ लगे हुए हैं, उनको भी मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। पवन
तो ये हमारे दूसरे फार्मर हैं, कृपया आप अपना परिचय एक बार दें। पवन कुमार का अपना गांव कौन सा? डांडिंग तिरवाली। कौन से उसमें? 28 98 656। तो भाई इस गोभी के बारे में आप इनसे भी डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ के एग्रेसिव फार्मर हैं और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस गोभी के बारे में, आपको 2251 के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे। कब इसकी पनीरी डाली जाती है और कब इसकी पहली हार्वेस्टिंग होती है, कब ट्रांसप्लांटिंग होती है, इसमें कौन सी बीमारियाँ आती हैं, तो ये सारी जानकारियाँ ये आपको बिल्कुल साझा कर सकते हैं। तो सर आगे बताओ। तो ये पवन जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने पिछले साल भी लगाई थी और अब की बार भी लगाई है, तो आप क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे? तो बताओ आप। बहुत बढ़िया वैरायटी है, 3 साल हो गए मैंने लगाता, और वजन भी ज्यादा है, तो सफेद फूला। ये वैरायटी देख रहे हो, इसमें इनके कहने का मतलब ये है कि दूसरी वैरायटियों से वजन भी ज्यादा आता है। और क्या क्या समस्याएं नहीं आती आप उसके बारे में बताओ, जो कि आप लोग और वैरायटियां लगाते हैं, जो हाइब्रिड लगाते हो, आज से 5-6 साल से आप लगाते आ रहे हो, तो उससे इसके अंदर क्या अलग डिफरेंस है? सफेद दी है फूल पे, वजन ज्यादा रेज कर सकती है, मान लो बारिश से इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो और कोई हाँ फंगस घाट है, और कुछ जानकारी जो कि हमारे जो साथी आपको पूरे इंडिया में और अदर कंट्रियों में भी आपको देख रहे हैं, तो उनको भी आपसे जानकारी, आपका नंबर सर एक बार अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर दीजिए, कोई भी सीड के लिए कहीं से भी आपको कॉल करके आपसे बात जानकारी ले सके। मेरा नाम मनोज यादव है। जिस जमींदार भाई को किसी भी वैरायटी के बारे में जानकारी लेनी है, तो मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 98 132 71 672, 9813271672। तो आप किसी भी समय मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंपनी के पास में ऐसी वैरायटियां जैसे धनिया है, हाई टेम्परेचर 38 से 40 के टेम्परेचर तक धनिया भी लगा सकते हो, और इनके पास जो मिर्च की इन्होंने वैरायटी बताई, तो मिर्च की वैरायटी इनके पास जिसके अंदर वायरस नहीं आता, लेकिन लोग वायरस से दूर रहे हैं, लेकिन इनके पास वैरायटी आ चुकी है, अब कोई आपको समस्या नहीं आएगी आने वाले टाइम में। और धनिया लगाने वाले भी अब किसी भी महीने में आप धनिया लगा सकते हो 38 के टेम्परेचर तक। सर और कोई भी ऐसी वैरायटी है जो कि अभी बडवार पे ज्यादा इसका पत्ता चौड़ा है? अच्छा। और वैरायटी है इसमें बडवार का, वही आपको जैसे अभी मैं पीछे भी बताया था। नहीं आपने लाग रही है, एक दिन कोई फर्क है? ये वाले बता रहे थे, इसके बारे में दोबारा रिपीट करो एक बार। तो जैसे कि पवन जी ने, हमारे किसान ने बताया कि बडवार का मैं आपको बताता हूँ, इसमें पत्ते ज्यादा होते हैं, ये ताड़ी ज्यादा होती हैं, ताड़ी ज्यादा होने के कारण फूल में वजन दूसरी वैरायटियों से ज्यादा रहता है, तो ये वैरायटी इसलिए यहाँ के लोगों की पहली पसंद बनी है कि इसमें वजन ज्यादा है और दूसरियों से सफेदी ज्यादा होने का कारण हमारे वैरायटी का यही है कि इसमें पत्ते ज्यादा हैं, इसको सेल्फ कवर्ड रखती है। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। जो देख रहे हो ये हमारे इस सीजन के पहले किसान है, जिसके खेत में हमने पहली मीटिंग की थी, जिन्होंने अगेती मार्च महीने में बिजाई की थी, तो हम इनसे कहेंगे कि आप लोगों को उसकी जानकारी दे, मार्च महीने में लगाकर भी उसका कैसा इन्होंने सफेदी में फूल। तो पहले तो आप इन सब किसान भाइयों को अपना परिचय दें, अपना नाम बताओ। गाँव डांडपी वाली से हूँ। रामेश्वर डाणी पीरवाली 80 हिसार डिस्ट्रिक्ट से ये हैं जमींदार हैं जी। इन्होंने जो हमारा जो पहला इस सीजन का हमने जो क्रॉप शो किया था, ये इनके खेत में किया था, जो मार्च महीने में बिजाई किया हुआ था, और हमने उसको जून के एंड में हमने इसका फील्ड किया था, तो उस समय भी इस जमींदार भाई का कहना है कि दूसरी वैरायटियों से जो उस सीजन की वैरायटी लाते उससे सफेद थी। हाँ, सफेद के साथ में भी लग जाएगी। वो कराएंगे और इसकी विजिट कराएंगे एक बार। आओ जी, रात्रि चलने में लिया खत्म हो गई थी। ये देखो भाई साहब कितनी भीड़ है, सच्ची।
फुल हवा से तो ये वैरायटी देखने के लिए आए 45 ये तो वो है ना ये तो बताइए 55 ये तो आ जाओ भाई।